I must not use God's name disrespectfully. I must not be disobedient to parents, teachers and elders. I must not tell lies. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. I must not tell lies. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. राज बेटा. Yes, daddy. जरा देखो तो किसका फोन है. Hello. Is it 372916? Yes. May I speak to Mr. Kumar, please? Who's speaking? Mohan Khanna. Just a moment, please. Daddy. मोहन खन्ना का टेलीफोन है. कह दो कि मैं घर पे नहीं हूं, कल सुबह फोन करे. हेलो, बस घर पे नहीं है आप, कल सुबह फोन कीजिएगा. आप मेरा मैसेज रख दीजिएगा कि मैंने फोन किया था. जी. I must not tell lies. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. I must not tell lies. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. जी आपसे तो मिलना ही मुश्किल है. कितनी बार टेलीफोन किया आपको, कितने मैसेज भेजे. आइए वर्मा साहब, फरमाइए कहाँ तक पहुँचा है आपका कॉलेज बनाने का प्लान. जी, इमारत की नींव रखने के लिए अगले महीने की 24 तारीख फिक्स हुई है. वेरी गुड. अब उस शुभ अवसर पे किन मिनिस्टर महोदय को बुलाना, ये फैसला आप कीजिए. मेरे ख्याल से तो एजुकेशन मिनिस्टर को ही बुलाना चाहिए, क्यों राम सरन जी. जी सही कह रहे हैं. और दूसरी समस्या है जी फंड्स. वो मेरी तरफ से आप 4 लाख रुपए अनाउंस कर सकते हैं कल ही. फिर देखते हैं कौन कितना देता है, मगर काम तो शुरू हो जाएगा ना. हाँ जी, काम जरूर शुरू हो जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, मुझे आगे दीजिए. अच्छी बात है. नमस्कार. 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 कहिए रामचरण जी, इस शुभ काम के लिए आप कितना दे रहे हैं. जी एक दमड़ी भी नहीं. जी आज मेरा बेटा पुलिस लॉकअप. पुलिस लॉकअप. जी हाँ. और आपका वो चाहता है इंस्पेक्टर क्या नाम चेहर, मुझे थाने से बाहर निकाल दिया. आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपके लड़के को छुड़ा कर लाऊंगा. अजी जब छूट जाएगा तो भेज देना किसी को, दे देंगे 1-2 लाख रुपया कॉलेज के लिए. Oh God, save me. हेलो इंस्पेक्टर शेखर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आपने मुझे बुलाया था. हाँ इंस्पेक्टर, मैंने सुना राम सरन का लड़का किसी केस में फंस गया है और उस केस के इंचार्ज तुम हो. जी हाँ, वो केस मर्डर और रेप का है. मर्डर. जी, ये बड़े लोगों के लड़के तो कानून को बाप की जागीर समझते हैं. लड़की को रेप किया, मारा
और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके दरिया में फेंक दिया। I say, you know, Inspector, ये राम सरन हमारे इलाके का एक बहुत ही रसूख वाला इंसान है। मैं समझता हूँ सर, लेकिन क्या किया जा सकता है? कुछ ऐसे आई विटनेसेस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं कि जहां तक पुलिस का सवाल है, ये केस काफी साफ सुथरा है। कम वक्त में इस केस को उलझा दो इंस्पेक्टर। बाय द वे, लड़की किसकी थी? सर्किट हाउस के चौकीदार की। तुम ही सोचो इंस्पेक्टर, एक मामूली चौकीदार की लड़की की मौत के लिए राम सरन जैसे रईस के लड़के को कैसे सजा दी जा सकती है? मैं कुछ समझा नहीं सर। ओ इंस्पेक्टर, राम सरन वो हस्ती है जिसके बल पर हम इलेक्शन जीतते हैं और सामने वाला उम्मीदवार हारता है। तुम इस केस को उलझा दो, बिगाड़ दो, फाइल को गायब कर दो, कुछ भी करो। बट सर ये, जस्ट अ मिनट, तुम ऐसा करो, राम सरन के लड़के के बजाय किसी और को अंदर कर दो। ये कैसे हो सकता है? इट्स अ मर्डर केस। शेखर, लेकिन आप जो कुछ करने के लिए कह रहे हैं, ये मेरी ताकत के बाहर की बात है। तुम्हारी ताकत में जो कुछ भी है तुम करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। एक चूंटी की मौत के लिए हाथी को सजा नहीं दी जा सकती। ये केस इतना नंगा है सर, केस पर पर्दा डालना मेरे बस की बात नहीं। आई एम सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। बुरी बात है राज। क्या रीना आंटी? छुपकर बड़ों की बातें सुनना। छुपकर कहाँ सुन रहा था, सामने ही तो था, किसी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। अच्छा अब चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। चलिए। हाँ, शाम को तुम्हारा नहाने का प्रोग्राम है? हाँ, स्कूल से आते ही। तो फिर मैं तुम्हें बीच पर ही मिलूंगी। ओके। Yes. Hello, जौहर, कुमार हियर। Yes, sir. तुम दफ्तर आते आते रास्ते में काम करते आना। कहिए। वो जो इंस्पेक्टर शेखर है ना, जरा ऊंची आवाज में बोलने लगा है, जितनी जल्दी हो सके। I want him to be transferred. ओके सर। इंस्पेक्टर शेखर। यस। क्या हुआ मर्डर केस का? मर्डर केस? हाँ, रामशरण के लड़के का। तुम कुमार साहब के बेटे हो ना? जी। मेरा ट्रांसफर हो गया बेटा। मैं बिल्कुल सही हूँ, पानी मत छोड़, अरे पानी मत छोड़ा ना।